आज जो पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो रेंज में NDPS एक्ट से संबंधित जो भी प्रकरण आते हैं उसमें माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में जो नष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है उसी के तहत आज बिलासपुर ज़िले के जो NDPS से संबंधित जो केस जो न्यायालय से निर्णित हो गए थे उसमें 9 क्विंटल और 14 किलो 550 ग्राम गांजा को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक जांजगीर और क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी और अन्य पंचों की उपस्थिति में जो है यहाँ पर जलाया गया और उसको नष्ट किया गया। हाँ, ये सर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे माननीय न्यायालय के निर्णय आते हैं जिसमें अपील अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद एक रेंज स्तर पर IG के अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो सभी प्रकरणों की समीक्षा करती है और उसके बाद एक कार्रवाई करती है। सर, आप जी जब हुए हैं क्या उनका भी नष्टीकरण किया जाएगा? देखिए, उसमें जैसे ही माननीय न्यायालय से प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की मदद से इस कार्रवाई करते रहता है। जिस दिन पहले आपने ट्वीट किया हुआ था कि गांजे की कार्रवाई किया जाएगा, अभी भी कई जगह शहर पे इस तरह से गांजा का बिक्री हो रहा है, उस पर आप कैसी कार्रवाई करना चाहेंगे? नहीं नहीं कार्रवाई तो चल ही रही है लगातार, जैसे पुलिस के पास सूचना आ रही है और तो उसमें किसी को चाहे गांजा हो चाहे नशे का कोई भी कारोबार इस तरह के धंधे में जो लिप्त है सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है और किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर भी जो है जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।